20 दिनों के लिए जो बच्चों का 100 दिन बच्चों के लिए कितने दिन का भोजन है 20 दिनों का है और कितने दिनों बाद 8 दिनों के बाद इस क्वेश्चन में 40 बच्चे और जुड़ गए तो बताइए कि कितने दिनों तक ये अनाज चलेगा। ये क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे है। तो सबसे पहले देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास टोटल बच्चे कितने हैं 120 बच्चे हैं और बच्चों का अनाज जो है वो कितने दिन चल रहा है भाई 120 बच्चों का 20 दिन चल रहा है। अब ये 20 दिन तो चल रहा है 8 दिन बाद कितने दिन बाद 8 दिन के बाद जो है कितने बच्चे आ रहे हैं 40 बच्चे आ रहे हैं ठीक है आ रहे हैं। तो देखो टोटल बच्चे कितने हो गए 40 बच्चा ये और 120 दिन ये तो कुल बच्चे कितने हो गए 120 प्लस 40 कितना हो गया 160 बच्चे हो गए। क्योंकि देखो 20 दिन के 20 दिन तक था लेकिन 8 दिन के बाद है यानी 8 दिन बीत चुका है तो अब दिनों की संख्या कितना रह गया बोलो 20 दिन था तो 8 दिन बीत चुका है तो अब तो 12 दिन बच गया ना। तो अब इस हिसाब से हम क्या निकालेंगे सॉल्व करेंगे। तो ध्यान देखिए यहाँ पर 120 बच्चों का अनाज कितने दिनों अब चलेगा 12 दिन चलेगा कितने दिन चलेगा 12 दिन बराबर कितने बच्चे अब होंगे टोटल कितने बच्चे हैं 160 और वो मान लीजिए x दिन चल रहा है कितने दिन चल रहा है x दिन चल रहा है तो इसको अगर 120 गुने 12 160 किधर आ जाएगा भागा में ये 0-0 कट गया 4 चौके 16 4 तिया 12 तो टोटल कितने दिन चल गए 9 दिन अनाज चल जाएंगे ठीक है ना।